हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको पांच ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण दोस्तों हमारे ब्लाउज का गला गिरता है। ब्लाउज दोस्तों हम इस तरीके से पहन लेते हैं लेकिन फिर भी उसके बाद दोस्तों हमारा ब्लाउज कंधे से इस तरीके से गिरता है। तो दोस्तों पाँच कारण क्या है वो सारा कुछ दोस्तों आपको वीडियो में पता चलेगा। छोटी सी वीडियो दोस्तों आप अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। जैसे कि दोस्तों हम जब ब्लाउज पहनते हैं तो दोस्तों हमारा गला इस तरीके से गिर जाता है। ये कंधी क्यों गिरती है दोस्तों इस तरीके से वो हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि दोस्तों हम पीछे से नॉर्मली डीप नेक पहनना पसंद करते हैं। जैसे इसमें हमारा डीप नेक है 10.5 इंच से 10 इंच तक दोस्तों हमारा पीछे से डीप नेक है। ये हम डीप नेक पीछे से पहनना पसंद करते हैं, डोरी भी हम नहीं लगाते हैं। दोस्तों क्या कारण है वो इस तरीके से शोल्डर गिरने का वो आपको सिखाएंगे। जब ब्लाउज हम इस तरीके से पहनते हैं दोस्तों तो हमारा कंधी दोनों तरफ से इस तरीके से गिरती हैं। अभी दोस्तों क्यों गिरती हैं वो हम आपको पाँच कारण सिखाएंगे। नॉर्मली दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होता है, फिटिंग हमारा ब्लाउज नहीं बन पाता, ठीक है। हमारा ब्लाउज जो होता है फिटिंग का नहीं बन पाता। पहला कारण दोस्तों हमारा ये है, जो हम बाजू ज्वाइंट करते हैं यानी कि जो बाजू की गुलाई होती है वो हमारी टाइट होती है, ठीक है। पहली गलती हमारी ये है। और दूसरी गलती क्या है दोस्तों, जो हमारा आर्मोल की कटिंग होती है ये भी दोस्तों हमारा टाइट होता है। ब्लाउज बनने के बाद दोस्तों हमारा आर्मोल और बाजू टाइट होती है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारी बाजू टाइट होती है, आर्मोल टाइट होता है दोस्तों, तो क्या होता है हमारा जो गला होता है वो बाजू अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, गले को अपनी तरफ खींचता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी कंधी गिरती है। अगर आपकी बाजू टाइट होंगी, आर्मोल आपका टाइट होगा, तो दोस्तों बाजू सही से बैठ नहीं पाएंगी, तो बाजू अपनी तरफ खींचेंगी गले को। तो इसके कारण दोस्तों हमारी ये कंधी जो होती है वो गिरती है दोनों तरफ से। तो दोस्तों ये हमने दो गलती आपको दिखा दी। अब दोस्तों आपको तीसरी गलती बताएंगे। जैसे कि दोस्तों जब हम गला बनाते हैं फिनिशिंग से, दोस्तों हम गला बनाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक ट्रिक अपनानी पड़ती है। जो दोस्तों हम पाइपिंग लगाते हैं वो फिनिशिंग से लगानी होती है, इसमें भी दोस्तों आपको एक ट्रिक अपनानी है। जैसे कि दोस्तों जो हमारी कंधी है इस जगह पर दोस्तों आपको पाइपिंग थोड़ी सी खींच कर लगानी होती है, ठीक है। जैसे जब हम पाइपिंग बनाते हैं इस जगह पर दोस्तों, तो हमारा ये शोल्डर है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको हल्की सी पाइपिंग खींच के लगानी पड़ती है जिससे दोस्तों जो हमारा शोल्डर है वो अच्छे से बॉडी को पकड़ लेगा। जैसे ये हमारी कंधी की सेंटर है, ठीक है, सेंटर की तरफ दोस्तों 2 इंच रखेंगे सेंटर पे, और 2 इंच इधर दोस्तों और 2 इंच इधर, यानी कि 4 इंच हो गया हमारा टोटल। तो 4 इंच की गैपिंग में दोस्तों आपको जो पाइपिंग लगानी है ना वो फिनिशिंग से आपको हल्की सी खींच के लगानी है। जो नॉर्मल दोस्तों खींच के लगाते हैं उससे हल्का सा खींच के लगाना है। तो दोस्तों खींचने से क्या होगा दोस्तों, जो हमारा गला है वो बॉडी को अच्छे से पकड़ लेगा। तो दोस्तों जो कंधी गिरने की शिकायत होती है वो भी खत्म हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों जब हमारा झुका रहेगा तो गले को अच्छे से फिनिशिंग से पकड़ेगा तो कंधी गिरने की जो शिकायत होती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये दोस्तों हमारा तीसरा कारण हो गया। पहला कारण दोस्तों हमारा बाजू टाइट है तब दोस्तों आपकी गला गिर सकता है। दूसरा कारण दोस्तों अगर आपका आर्मोल टाइट है तब भी आपका गला गिर सकता है। तीसरा कारण दोस्तों अगर आप पाइपिंग सही से नहीं लगाएंगे तब भी दोस्तों आपका गला गिर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको चौथा कारण बताएंगे जो आप दोस्तों कटिंग करते टाइम करते हैं और स्टिचिंग करते टाइम करते हैं, ठीक है। नॉर्मली दोस्तों हम ब्लाउज बना लेते हैं लेकिन हम जब कटिंग करते हैं उस टाइम भी दोस्तों हम एक छोटी सी गलती करते हैं, वो भी दोस्तों आपको नहीं करनी है, वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, जैसे हमारा ये ब्लाउज कटिंग करा हुआ है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हम आपको चौथी गलती बताएंगे क्या करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारी डॉट लेंथ है, ठीक है, यानी कि डॉट पड़ेगी यहाँ पर हमारी, ये डॉट का निशान है इस जगह पे, तो दोस्तों ऊपर से शोल्डर से हम इस तरीके से नापते हैं। और दोस्तों जब डॉट का निशान जो लगाते हैं दोस्तों, जितनी भी आपकी डॉट हो, जैसे हमारी 9 इंच है उसमें 0.5 इंच प्लस करके ही आपको कंधी का यानी कि डॉट का निशान लगाना है प्लेट का, क्योंकि दोस्तों 0.5 इंच हमारा ऊपर से दबाव में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जो फिनिशिंग से डॉट का निशान लगाएंगे तो दोस्तों 0.5 इंच हमारा कंधी में दबाव में जाएगा, इस तरीके से 0.5 इंच ऊपर से हमारा कंधी में दबाव हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारी 9 इंच की डॉट है जहाँ पर हमने निशान लगाया उस जगह पे दोस्तों आपकी प्लेट जो पड़ेगी वो 9 इंच पे फिक्स आ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हम गलती कर देते हैं कटिंग करते टाइम कि हम प्लेट का निशान यानी कि निशान सही से नहीं लगाते हैं। कई बार दोस्तों नीचे लगा देते हैं, कई बार ऊपर लगा देते हैं, तो दोस्तों जो सेंटर में हमारी डॉट नहीं पड़ेगी तो दोस्तों जो हमारी बस्ट होती है यानी कि चेस्ट होती है वो सही से फिनिशिंग से बैठ नहीं पाती है डॉट के कारण। तो दोस्तों जो हमारी फिटिंग होती है ब्लाउज की वो दोस्तों अच्छी नहीं आती है। तो जब हम पहनते हैं ब्लाउज तो हमारा गला हल्की से ऊपर की तरफ उठता है, तो दोस्तों उससे भी क्या कारण होता है, जब हमारी फिटिंग सही से नहीं बैठ पाएगी चेस्ट की बस्ट की तो दोस्तों हमारा गला गिरेगा। अब जब दोस्तों हम निशान लगाते हैं दोस्तों आपको बॉडी का नाप लेने के बाद ही डॉट का ही उसी के बाद आप दोस्तों निशान लगाएंगे 0.5 इंच प्लस करने के बाद, तो दोस्तों आपकी जो फिटिंग आएगी डॉट की वो एकदम ठीक आएगी, आपको गला गिरने की भी शिकायत खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों जब हम स्टिचिंग करते हैं उस टाइम भी दोस्तों आपको एक गलती करते हैं। ये दोस्तों हमारा तरीका है पांचवा,
ठीक है। ये पांचवा गलती है दोस्तों हमारी। जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम शोल्डर जोड़ते हैं उस टाइम दोस्तों आधा इंच का मार्जिन लेने के बाद आपको सीधा जोड़ना है, जोड़ देते हैं, ठीक है, हम सीधा जोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, गले की तरफ जब हम कंधे जोड़ते हैं, ठीक है, नॉर्मली आधा इंच का मार्जिन लेते हैं, लेकिन आपको गले की तरफ क्या करना है, आपको आर्मोल की तरफ आपको आधा इंच का ही मार्जिन रखना है, ठीक है, आर्मोल की तरफ आपको आधा इंच का ही मार्जिन रखना है। लेकिन गले की तरफ आपको क्या करना है, जो आधा इंच का मार्जिन लेते हैं वहां पर दोस्तों आपको पौने एक इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है, गले की तरफ आपको पौने एक इंच का मार्जिन लेना है। और यहां से दोस्तों आपको गले की तरफ डाउन करते हुए कंधी जोड़नी है, ठीक है, गले की तरफ आपको डाउन करते हुए कंधी जब जोड़ेंगे तो दोस्तों इससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, गले गिनने की शिकायत जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो डाउन करेंगे तो दोस्तों आपकी जो गले गिनने की शिकायत होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये दोस्तों हमारी पाँचवीं गलती है। ये दोस्तों क्या है, जो हम ये जब सिलाई करेंगे, ठीक है, जब हम शोल्डर की सिलाई करेंगे तो दोस्तों हमारी गले की तरफ इस तरीके से झुका रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर हल्के बॉडी को अच्छे से गला हमारा पकड़ा रहेगा, ठीक है, जब हम डाउन करके जोड़ेंगे तब। तो दोस्तों क्या होगा, इससे जो हमारी गले गिनने की शिकायत होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो हम ट्रिक बता रहे हैं ना, वही ट्रिक इस तरीके से काम आएगी, ठीक है, जो मैंने आपको ब्लाउज में दिखाया है ये ट्रिक उसी तरीके से ही काम आएगी। इस तरीके से आप डाउन करते हुए जोड़ेंगे तो दोस्तों जो गले गिनने की शिकायत होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों आपको बॉडी का नाप लेना नहीं आता है, ब्लाउज का, सिले हुए ब्लाउज का नाप लेना नहीं आता है, तो दोस्तों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सीख सकते हैं सिले हुए ब्लाउज का नाप कैसे लें और बॉडी का नाप कैसे लें ब्लाउज का। अगर दोस्तों आप कटिंग करते टाइम डॉट का निशान सही से लगाएंगे तो दोस्तों आपकी गले गिनने की शिकायत काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों मैं दोबारा से एक चीज़ आपको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों हम नॉर्मली गला वगैरह, बाजू वगैरह ठीक ठाक, आर्मोल वगैरह सब कुछ फिनिशिंग से बना लेंगे, ठीक है, हमारा सारा कुछ फिनिशिंग से बन जाएगा, डॉट भी दोस्तों हमारी फिनिशिंग से डल जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों आपका कमर से, यहां से इस जगह से आपका दोस्तों अगर लूज रहा आपका ब्लाउज, तो दोस्तों क्या होगा, पहनने के बाद कमर हमारी लूज रहेगी तो दोस्तों ब्लाउज ऊपर की तरफ भागेगा, यानी कि गले की तरफ भागेगा, लूज रहेगा कमर की तरफ से, तो दोस्तों हमारा गला गिरेगा। तो आपको क्या करना है, फिटिंग ब्लाउज का एकदम फिटिंग परफेक्ट देनी है, ठीक है। जैसे नॉर्मल मैं आपको स्केल की मदद से आपको सिखाता हूँ, जैसे हमने स्केल इसकी बाजू में से निकाल लिया इस तरीके से, ठीक है। अगर आपकी दोस्तों कमर लूज रहेगी, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जैसे अगर आपकी कमर रहेगी, जैसे हमारी अभी कंधी जुड़ी हुई नीचे की तरफ डाउन करते हुए, ठीक है, अगर आपका ब्लाउज कमर की तरफ से लूज रहा, ठीक है, जो हमारी ये कंधी जुड़ी हुई है, जैसे स्केल रख के हम सिखा देते हैं आपको, जैसे हमारी ये कंधी जब जुड़ी हुई है ना, वो दोस्तों नीचे की तरफ डाउन करते हुए हमारी जुड़ी हुई है, ठीक है, ऊपर की हमारी सीधी है लेकिन जब कंधी हमारी जुड़ी है वो नीचे की तरफ डाउन करते हुए जुड़ी हुई है। अगर दोस्तों आपका कमर की तरफ से लूज रहेगा तो ब्लाउज आपका ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा रहेगा। अगर आप ट्रिक जो मैंने सिखाई थी, तो नीचे की तरफ जो दोस्तों मैंने डाउन करा था वो ट्रिक ये है, अगर इस तरीके से आप अपनाएंगे दोस्तों तो आपका नीचे की तरफ जो गला बैठेगा ना बॉडी में, वो एकदम चिपका हुआ बैठेगा। अगर आप सीधा जोड़ेंगे तो दोस्तों आपकी जो कंधी रहेंगी वो इस तरीके से उठी हुई रहेंगी और आपका ब्लाउज नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, जब कंधी हम जोड़ते हैं तो दोस्तों आपको फिनिशिंग से जोड़नी है नीचे की तरफ डाउन करते हुए, तो दोस्तों जो हमारा गला पकड़े रहेगा एकदम बॉडी को, गला गिरने की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। और दोस्तों आपको फिटिंग एकदम जो हमने ट्रिक अपनाई है वो यही ट्रिक है दोस्तों, जो मैंने आपको सिखाया था कटिंग करते टाइम। इस तरीके से दोस्तों अगर आपका कमर से भी लूज रहेगा ना, तो दोस्तों आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से ब्लाउज भागेगा, ठीक है, गले की तरफ, और तब भी दोस्तों आपका ब्लाउज नीचे की तरफ गिरेगी कंधी। अगर दोस्तों आपको फिटिंग परफेक्ट देनी है ब्लाउज की, तभी दोस्तों आपका गला रुकेगा, वरना आपका अगर टाइट लूज रहेगा कहीं से, यानी कि कमर से हमारा लूज रहेगा, गला ऊपर की तरफ भागेगा तो दोस्तों हमारी कंधी गिरेगी। अगर आपको ब्लाउज पूरा परफेक्ट एकदम फिटिंग से बनेगा दोस्तों, आप इन पाँचों में से कोई सी भी गलती नहीं करेंगे, तो दोस्तों आपको जो गले गिनने की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों मैं दोबारा से इस तरीके से समझा देता हूँ। जैसे पहली गलती हमारी दोस्तों क्या होती है, बाजू हमारी टाइट रहती है, आर्मोल दोस्तों हमारा टाइट रहता है, और दोस्तों जहाँ पर हमारी पाइपिंग भी सही से नहीं लग पाती, जो हमारी गले को नहीं पकड़ पाती, और दोस्तों जो हमने ये ट्रिक अपनाई है यानी कि जो आपको सिखाया है, ये भी दोस्तों हमारी गलती रहती है। पांचवी दोस्तों हमारी ये गलती है, जो हम नीचे की तरफ डाउन करते हुए नहीं जोड़ते हैं। और दोस्तों जो हमारी डॉट का भी निशान जो लगता है कटिंग करते टाइम, वो भी दोस्तों हम अच्छे से नहीं लगा पाते, इसके भी कारण दोस्तों हमारा कंधी गिरती है ब्लाउज की। और दोस्तों जब हमारा ब्लाउज से भी लूज रहता है, ब्लाउज यानी कि कमर से भी जब दोस्तों हमारा ब्लाउज लूज रहता है, तब भी दोस्तों गला हमारा ऊपर की तरफ भागेगा, तो दोस्तों अब जब हमारा गला लूज हो जाएगा ऊपर की तरफ भागेगा तो दोस्तों हमारा गला गिरेगा ही गिरेगा। अब दोस्तों मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ से आर्मोल से आपको एक पैर की लमसम में आपको लूज ही पहनना है, ठीक है, इस तरीके से, और बाजू से भी दोस्तों आपको लूज ही पहनना है, ज़्यादा फिटिंग ना पहने, जिससे कि जो शिकायत है गले गिरने की वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हल्का सा आपको लूज ही पहननी है, बाजू भी, और मोल से भी दोस्तों हल्का सा आपको लूज ही पहनना है, ठीक है। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड और भी देखनी है वीडियो, ठीक है, तो क्या करना है आपको, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा,
वहां से जाके आप सीख सकते हैं। कटिंग के रिलेटेड वीडियो दोस्तों, ब्लाउज की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां से भी दोस्तों आप सीख सकते हैं हमारे ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। ठीक है, अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।